कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। साथियों, हम आशा करते हैं आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। साथियों, आज एक बार फिर एक तथाकथित संगठन के नेताजी द्वारा एक ऑडियो पेश किया गया, जिनके पूर्व में भी ऑडियो प्रसारित होते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह अपने को आगे बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेकर आरोप प्रत्यारोप करके शिक्षा मित्रों को बरगलाने का कार्य बंद कर दें। आज मजबूरन हमें इस ऑडियो के माध्यम से आपको जवाब देना पड़ रहा है। आपके द्वारा जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, उसका जवाब देना भी आपको अति आवश्यक है। अगर शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में आपके चल रहे शिक्षा मित्र मैटर के संबंध में बात की जाए, जिसमें कहा गया कि वकीलों का पैनल उतारा गया, तो इसमें बुरा क्या है? हर व्यक्ति, हर संगठन का अपना प्रयास होता है बेहतर से बेहतर वकील उपलब्ध कराए जाएं, जिससे उन्हें सफलता मिल सके। वह एक अलग बात है कि हमको असफलता हाथ लगी, लेकिन प्रयास करना अति आवश्यक है। आप अपनी ओर देखिए कि आपने शिक्षा मित्रों से सहयोग लिया, उसके बाद किया क्या, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि सुप्रीम कोर्ट में केस में कहीं आपको कमी दिख रही थी पैरवी में, तो उसको आपको पूरा करना चाहिए था। यदि वाकई आप शिक्षा मित्रों का हित चाहते हैं, परंतु इस तरह के आरोप लगाना किसी भी संगठन के नेता को शोभा नहीं देता। आपको कहना चाहिए था कि हमारे द्वारा प्रयास किया गया, भले चाहे सफलता हाथ नहीं लगी, और इसमें सभी का सहयोग रहा। यदि आप आज ये कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में हमको सहयोग नहीं दिया या हमारा साथ नहीं दिया, तो ध्यान रखिए, शिक्षा मित्र बुद्धिजीवी वर्ग से आता है। वह पूर्णता जानकारी है उसके लिए कि कौन कार्य कर रहा है, हमें किसके साथ रहना चाहिए। दूसरा, हमारा समायोजन 25 जुलाई 2017 को निरस्त होने के उपरांत हमारे माननीय एजस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें समस्या का समाधान करने के लिए सभी से सुझाव मांगे गए, जिसमें एक सुझाव रिव्यू दाखिल करने के संबंध में संगठन द्वारा दिया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि हम रिव्यू में नहीं जाएंगे, आप लोग जा सकते हैं, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, हम चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो। आपकी समस्या के निस्तारण के लिए एपीसी श्री राज प्रताप सिंह जी के लिए नियुक्त कर दिया गया है। आप उनके साथ बैठें, 10 दिन लगे चाहे 1 माह लगे, 1 घंटे बैठिए, 10 घंटे बैठिए, जो भी रास्ता हो उसको निकालिएगा, हम आपके साथ हैं। तब मजबूरन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल करनी पड़ी, जो कि इस वार्ता के 15 दिन बाद फाइल की गई है। और आप ये भली प्रकार जानते होंगे, उस मीटिंग में हम खुद स्वयं उपस्थित थे, और सच बूझिए तो आज आम शिक्षा मित्र साथी के मुंह से सुन भी लिया होगा, जनवरी 2014 की वह शाम जिस समय माननीय प्रमुख सचिव नितेश्वर कुमार जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि आप लोगों के लिए टीटी करने के लिए 5 वर्ष का हम समय देंगे, इसी बीच में आप सभी का, जिनका प्रशिक्षण पूरा होता जाएगा, उनको शिक्षक बना दिया जाएगा, और इस बीच पूरा वेतनमान भी दिया जाएगा, लेकिन आपको टीटी करनी पड़ेगी। तो सिर्फ आप ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट कहा कि सर, हम मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं, टीटी हमको स्वीकार नहीं है,
और आप जाके गोमती किनारे बैठ गए और आज शिक्षा मित्र ही बने बैठे हैं। यह सब आपकी करने का ही प्रतिफल है। रही ईपीएफ की बात, तो क्या आपको पहले से यह दिमाग में नहीं आया कि इस संबंध में सरकार से वार्ता की जाए? जब हमारे संगठन के एक पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रयास किया गया, प्रयास में दो ही चीजें हैं, या तो प्रयास सफल होगा या असफल। अगर असफलता हाथ लगी तब आप आज हमारे लिए यह सुझाव दे रहे हैं कि पहले वार्ता की होती। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा कोर्ट के माध्यम से प्रयास किया गया, आप वार्ता कर लेते। अब भी समय है, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। हम सभी जानते हैं कि सभी शिक्षा मित्रों के हितों को ध्यान में रख के ही अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ कार्यों में सफलता मिलती है, कुछ में असफलता। इसलिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना किसी सही नेतृत्व का कार्य नहीं है। एवं जब आपको लगता है कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कह दिया जाता है कि ये पत्र तो हम पहले ही भेज चुके हैं। इस तरह के पत्र हमारे संगठन के माध्यम से अक्सर सरकार को प्रेषित किए जाते रहे हैं एवं भविष्य में भी किए जाते रहेंगे। अब माननीय नेताजी, कुछ आपके कार्यों पर भी प्रकाश डाल दें जो अति आवश्यक है। अब से कुछ समय पूर्व एक वीडियो आपका प्रसारित किया गया था जिसमें दिख रहे थे नोटों को उड़ाते हुए, जिस पर शिक्षा मित्रों ने जब कमेंट्स किया तब उस पर यह जवाब आया, ये हमारा व्यक्तिगत घर का कार्यक्रम था। तो सिर्फ हमको यह बता दीजिए, आप अपने आप को 170,000 शिक्षा मित्र या शिक्षकों का नेता मानते हैं, जो कि एक बहुत ही सम्मानित पद है। हमारे सनातन धर्म में जो व्यक्ति एक समूह के हितों का ध्यान रखे, जिसका नेतृत्व करे, उसे राजा की संज्ञा दी गई है। और राजा का कुछ भी अपना नहीं होता, उसका प्रत्येक कार्य पूरे समूह की विचारधारा को व्यक्त करता है। उस वीडियो से ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही लज्जित हुए हो, पूरा समाज लज्जित हुआ था। इसलिए भविष्य में आपसे यही आशा है कि इस के कुकृत्य से बचें एवं अपना स्वयं का कार्य करें, जो भी आप कर सकते हो। अगर अच्छा कार्य करेंगे, पूरा शिक्षा मित्र समाज आपके साथ होगा। उसमें किसी ऑडियो डालने की या किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या किया, उसका क्या रिजल्ट निकला, यही सब बातें अगर आप सिर्फ शिक्षा मित्रों के साथ शेयर करेंगे वह ज्यादा बेहतर है। रही शिक्षा मित्र के भविष्य का सवाल, तो इसमें आप चाहे कुछ करें या ना करें, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में शिक्षा मित्रों का भविष्य एक बार फिर सुरक्षित होगा।